हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम अंडरवेट के बारे में बात करेंगे कि अंडरवेट क्या होता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और किस होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करके आप अपने अंडरवेट की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अंडरवेट क्या होता है? आज के ज़माने में मोटापा तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन अंडरवेट होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अंडरवेट होने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर आपका अंडरवेट क्या होता है कि हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट नहीं होता है, यानी कि आपका आप अपना BMI कैलकुलेट करके अपने अंडरवेट को चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका जो BMI रेट है 18.5 से कम है तो आप अंडरवेटेड है। मैं एक चार्ट दे रही हूँ, आप इस चार्ट को देख के अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है आपको अंडरवेट होने की वजह से? आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, बाल टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, और अगर आपके बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी है, आप न्यूट्रिशन क्वालिटी का फूड नहीं ले रहे हैं, तो आपको बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। यानी कि आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाती है और आप अगर ज़रा सा भी कहीं पर गिर जाए तो आपकी बोन्स जो है टूट जाती हैं। दूसरा, आप एनीमिक हो जाते हैं अंडरवेट होने की वजह से, यानी कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। आपकी बॉडी बहुत ही वीक लगेगी, और फीमेल में अगर एनीमिया डेवलप हो जाती है तो उनको इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, और जो आगे जाके इनफर्टिलिटी में कोज हो जाती है। तो अगर आपकी बॉडी वीक है तो आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, अगर आप प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशनल क्वालिटी का अगर आप फूड नहीं ले रहे हैं। तो क्या कारण होते हैं अंडरवेट होने के? एक तो मेन को जेनेटिक फैक्टर, यानी कि अगर आपकी पूरी फैमिली में ही सब लोग अंडरवेटेड हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर आप न्यूट्रिशन क्वालिटी का फूड नहीं ले रहे हैं जिसमें विटामिन की डिफिशियंसी है, इस वजह से भी आपको अंडरवेट होने की प्रॉब्लम हो सकती है। या कुछ लोगों का BMR रेट इतना हाई होते हैं कि जो भी खाते पीते हैं वो एकदम से अब्जॉर्ब हो जाता है और मतलब उनको लगता ही नहीं है खाया पिया। या एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी के कारण भी आपको अंडरवेट होने की प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस के कारण, OCD के कारण भी आपको अंडरवेट होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? आप बहुत ही डल फील करेंगे, एनर्जी नहीं है इस तरह का फील करेंगे, और वीकनेस देखने को मिलेगी, सुस्ती बॉडी में देखने को मिलेगी अगर आप अंडरवेटेड हैं। तो आप डाइट में क्या ले सकते हैं? आप जो डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, और एक बार अपना विटामिन डी चेक कराइए, क्योंकि विटामिन डी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर आपका विटामिन डी कम होगा तो बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। आप फ्रूट में क्या ले सकते हैं? जैसे कि फ्रूट में आप बनाना ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, बनाना रिच सोर्स है पोटेशियम का, और आप गुड़ ले सकते हैं जो कि गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं। तो अब मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ। ये एक सप्लीमेंट है, नेचुरल सप्लीमेंट है, आप इसको यूज़ करके अपने अंडरवेट की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये है अल्फा अल्फा माल्ट। आप इसकी एक एक चम्मच दिन में 3 बार दूध के साथ अगर ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं ले सकते हैं आप इसको दूध के साथ में तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एक एक चम्मच दिन में 3 बार। और इसको बच्चे भी ले सकते हैं अगर उनमें अंडरवेट होने की प्रॉब्लम है, बच्चे इसकी डोज को आधा करके ले सकते हैं। ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है, आपकी भूख को बढ़ाते हैं। आपको किसी कारण से वीकनेस आई हो, किसी भी कारण से आपको वीकनेस आई हो, बहुत ही अच्छा एनर्जी बूस्टर का काम करता है, वेरी इफ़ेक्टिव है। लॉस ऑफ एपेटाइट, अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये मेडिसिन कंपनी का है, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। इसके जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छे हैं। इसको रेगुलर यूज़ करने से आपकी कमज़ोरी दूर होगी। अगर आप 2-3 महीने इस माल्ट का यूज़ कर लेते हैं तो आपको वेट गेन दिखने लगेगा। बहुत ही अच्छा एनर्जी बूस्टर का काम करता है, बच्चे भी इसको ले सकते हैं। तो आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।